वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चलिए बताइए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है कन्याकुमारी। यहाँ पर पूछा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार के लिए होता है। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है या फिर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके बाद है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में मिलता है विटामिन सी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। इसके बाद सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 1949 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1949 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक इस दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी, मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और अगर सवाल पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इससे पहले वाला सवाल था, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लोह पुरुष कहा जाता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? तो ये है विजयघाट, जो कि दिल्ली में है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।